यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो 2023-24 के लिए आया था। ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन, यहाँ से 20-25% क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इस लेवल का हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, दो संख्याओं का जो LCM है, लॉस ऑफ, वो 60 है और HCF 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको OMN शीट पे देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आपको पता है, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होती है, HCF गुणा LCM होती है। पहली संख्या हमें दे रखी है 12, दूसरी संख्या हमने मान ली कि X है, HCF हमें 3 दे रखा है और LCM हमें दे रखा है 60। 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, आंसर आ जाएगा 5 × 3 = 15। ऑप्शन नंबर ये जो 15 है वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, तो गुणनफल करोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी। कह रहे हैं ये जो रेखा युग्म है और ये जो रेखा युग्म है, ये कैसे हल होंगे, तो हमें अनुपात निकालना होगा। a1/a2 निकालो, a1 क्या है, x का गुणज कुछ नहीं है तो 1, a2 क्या है, यहाँ पर 4 है। फिर निकालो b1/b2, b1 क्या है, y का गुणज 2 और b2 क्या है 8, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8। फिर आ जाओ c1/c2 निकालो, c1 है -5 और c2 है माइनस के बीच, कटा 5 × 5 = 20। तो अगर आप देखेंगे तीनों अनुपात बराबर है, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो कैसी रेखा होती है, समपाती रेखा होती है और समपाती रेखा के अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। शेषफल की बात कह रहा है तो 70 क्या छोड़ेगा, 5, तो 70 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 65 और 125 8 छोड़ेगा, 8 घटा दो 125 में से तो 117। हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब HCF, छोटी से छोटी बोलता तो हमें LCM निकालना होता। 65 को काटो, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 13 × 13, इसको देखो 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 13 × 13, तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 13 1 बार है। तो ऐसी संख्या जो दोनों में है, हमें वो देखना है, दोनों में 13 है तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात लेते हैं तो 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, तो आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो 3 के देखो 3, ठीक है, 3 × 6 = 9, 3 × 12 = 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज है, इनको क्या करना है, जोड़ दो और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। या तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आपको पता है क्या होता है, n/2 a + an, अगर प्रथम पद और अंतिम पद मालूम, 3 का गुणज बोले, 5 संख्या बोले, 5, प्रथम पद है 3, अंतिम पद है 15, ठीक है, 5/2 15 और 3 क्या हो गया, 18 2 × 18, 9 × 5 कितना हो गया, 45, तो आंसर कितना जाएगा, 45। ऐसे भी कर सकते हो या इनको डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, इनके बारे में आपको बताना है। देखो ऑप्शन में देखो विविक्तीकर के बारे में पूछ रहे हैं, प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं, तो विविक्तीकर निकालते हैं। विविक्तीकर का सूत्र होता है b² − k4ac। आपको पता है a क्या होता है, a होता है x² × 2, b क्या होता है x² − k4, c क्या है, अचर पद 3। रखो यहाँ पर b हमारे पास −k4 a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 4 × 16 = 8, 8 × 3 = 24, तो क्या आ गया, −k8 आ गया, हमारा विविक्तीकर क्या आ गया, −k8 आ गया। अब आप देखिए कह रहा है दिए गए समीकरण के विविक्तीकर मान 0 से कम है, सही है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि डी का मान माइनस में, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता। कह रहे समीकरण के विविक्तीकर 0 है, गलत,
समीकरण के मूल वास्तविक हैं, गलत। अब कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी हमारा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे ए ओ बी सी एक आयत है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आयत जानते हैं ना, ये हमारा आयत है, ये ए ओ बी सी, हमें इसका विकर्ण निकालना है। देखो ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो विकर्ण ये हो गया। ए हमारे पास क्या है, 0.3 और बी हमारे पास है 5.0। विकर्ण निकालना है ना, तो विकर्ण क्या है हमारे पास, ए बी। ए बी का सूत्र क्या होगा, ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक्स वन ये हुआ, एक्स टू हुआ 5, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन है 3, वाई टू है 0। ठीक, 0 में से 5 काटेंगे माइनस 5, माइनस 5 कवर करोगे 25, 3 कवर करोगे 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक, विकर्ण कितना होगा, अंडर रूट 34। कह रहे हैं समीकरण का एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या होगा? तो देखो जो k होता है, जो मूल होता है, वो समीकरण को संतुष्ट करता है। ये जो मूल है 1/2, x का जो मान है वो यहाँ पर रखने पर इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। x की जगह पर 1/2 रखो, प्लस k है, x की जगह पर 1/2 रख दिया, माइनस k 5/4, इधर क्या है 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस k 5/4, k कम k बट्टे में 2, प्लस का इधर के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ आ गया 4। ठीक है, यहाँ हो गया 1-5, सो यहाँ से देखो 1 में से 4 घटाओगे, माइनस के 4 आ जाएगा, और यहाँ है k 2, 4 एक कम 4, इधर भी नेगेटिव करना, 2 एक कम 2, तो k का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ठीक है, उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये सबसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है ये, तो बट इसका मैं ट्राई करूँगा आंसर लाने की। हमारे पास क्या बोला है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये ए, ठीक है, जिसका सी कोण समकोण है, ये सी समकोण है, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए सी 3 है, ए सी 3 है और बी सी 4 है, ठीक है, तो सी से जाने वाली माध्यिका, सी से जाने वाली माध्यिका है ये, ठीक है, बीचों बीच से जब हम माध्यिका खींचते हैं तो इस पर ये लंब होती है, इस पर ये क्या होती है, लंब। तो ये जो हम पढ़ेंगे, ये प्रमेय 6.7 जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है इस साल, तो उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ए बी माध्यिका क्या करती है, सामने के टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो जब ए बी निकालोगे ना आप, कर्ण है ना, ए बी कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 16+9 कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो देखो बच्चों बी, इसको इस बिंदु को नाम डी दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का आधा, बी डी हो जाएगा 5 का आधा, और ए डी भी हो जाएगा 5 का आधा। हमें निकालना है सी डी, हमें क्या निकालना है प्रश्न में, सी डी निकालना है। अब आप जानते हो ये छोटा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होता है, और ये छोटा वाला बड़े के भी समरूप होता है, और ये छोटा वाला बड़े के भी समरूप होता है। तो देखो हालांकि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन किसी का भी सही नहीं आया है, ये मैंने देखा है नोटिस करके, तो मैं इसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। प्रमेय 6.7 से ये जो त्रिभुज है, देखो ए डी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी प्रमेय 6.7 से समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है, ए सी बी के। अब देखो आपको क्या पता है, इस वाले में ए सी, इस वाले का ए सी हो गया, तो इस वाले का क्या होगा, ए बी, ठीक है, इस वाले का क्या होगा, ए बी, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें सी डी चाहिए, सी डी यहाँ से मिलेगा, सी डी यहाँ से ले लिया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। तो ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है 3, और ए बी हमारे पास है 5। सी डी हमें निकालना है, और बी सी हमारे पास कितना है,
बीसी हमारे पास 4 है, सही किया ना हमने। देखो यहाँ पर था एडीसी, एडीसी और उसके बाद एसीबी, ठीक है रखो मान। तो ये देखो यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 = 12 / 5, ठीक है ये हो गया सीडी, इसको काटो 5 × 2 = 10, ठीक है 5 × 2 = 10, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 20, ठीक है 2.4 आ रहा है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है 2.4 आ रहा है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, इसको अगर दूसरे वे में करोगे ना तो देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है इसमें तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसका आंसर कुछ अलग आएगा, इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसका आंसर कुछ अलग आएगा सीडी का। तो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा और इसको देना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस का भी नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है ये हमें बताना है। सो देखिए आप जानते हैं हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, ठीक है ये हमारे पास है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्क्वायर अगर कर दूँ, देखो इसका मान वैसे कह सकते कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, मैंने दोनों तरफ फिर वर्ग भी कर दिया, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2 ab, ये इसका मान कितना होता है 1, इसका मान भी है 1, ठीक है तो देखो आगे हल करेंगे ये हो गया 1 माइनस के 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये 1 के बराबर है, ठीक है नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा 1 - 1 2 sin थीटा cos थीटा का मान कितना आ गया 0 आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा का मान कितना आ गया। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम खोल दें, ये चीज़ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के 2 ab हो जाएगा, और ये 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। देखो ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है ये चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि ये नेगेटिव वाला उधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा गुणे में साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसका मान हमारे पास क्या है 0, और किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करते हो, 0 गुणा कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है 0, और 1 में से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं NCERT के, कह रहे साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, a किसके बराबर है, ठीक a किसके बराबर है, यदि देखो a अगर हम ले लेंगे 0 डिग्री और यहाँ पर रखो साइन 2, a का मान क्या रख दिया 0 और ये 2 sin a, a का मान है 0, तो 2 × 0 क्या होता है 0 और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 × 0 = 0 आ गया दोनों तरफ बराबर, तो जब a का मान हम 0 डिग्री लेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं 4 tan थीटा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा ये 4 × 2 इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर है 4 sin थीटा - cos थीटा बट्टे में 4 sin थीटा + cos थीटा, ठीक है ये है हमें 10 थीटा का मान दे रखा है। 10 कब होता है, 10 होता है जब साइन के बट्टे में कॉस हो, तो मैं हर एक पद में ऊपर भी और नीचे भी कॉस से भाग दे दूंगा, तो इससे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 थीटा, और ये माइनस का 1 ऊपर जैसे हम कट के 1 आ गया ना, और ये देखिए ये हो जाएगा प्लस के 1। अब यहाँ पर और यहाँ पर 10 थीटा का मान रख दो, 10 थीटा का मान क्या है 3/4 माइनस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस के 1, 4 से 4 कटना, 3 में से कम करेंगे 2 बचेगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, तो 1 कम 2, 2 × 4
तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/2। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका मान बताना है क्या होगा। देखो, कोई सर्वश्रमिका लगती है तो हम लगाते हैं, सर्वश्रमिका नहीं लग रही है तो हमें इसको क्या करना है, सिंपल साइन कॉस बदलना होगा। सेक को हम लिखते हैं 1/cos और टेन को हम लिखते हैं साइन बट्टा कॉस। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1 - sin है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए भिन्न है ना, कॉस दोनों के बट्टे में समान है तो ऊपर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जब नीचे समान हो तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये है, अब यहाँ पर आपको सूत्र दिख रहा होगा कि भैया ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, आप जानते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, सूत्र में लगाइए, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और कॉस एकम कॉस, ऊपर ऊपर गुणा होता है नीचे नीचे गुणा, 1 - sin² क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये सर्वसमिका है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणे में, क्या होता है, दो बार गुणे में, इससे ये कटा, आंसर क्या आ गया, कॉस ए। आंसर क्या आ गया बच्चों, कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहने यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 300 गुणे पाई आर स्क्वायर। पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही आपने देखा होगा, ये एक गोला होता है घड़ा और यहाँ से क्या होता है, बेलन होता है, ये हमारी सुराही है। तो ये क्या है, ये है गोला और ये क्या है बच्चों, ये हमारा है बेलन। जो सुराही होता है वो गोला और बेलन होता है, एक गोला और एक बेलन। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है। धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, तो माध्य में निकालना है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 कितनी संख्या है, 5, 5 से भाग दे दो, देखो ये 7 और 3 10 और ये 20 और 5 25, 25 बट्टे 5, 5 बचे 25। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं इनकी माध्यिका क्या होगी, पहले गिनो कि आंकड़े आरोही क्रम में होने चाहिए, आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सम संख्या है तो सम संख्या में बीच में दो पद रहते हैं, इधर जितने का रखो इधर भी उतने रखो, बीच में दो पद बचेंगे, दोनों पदों को जोड़ना है और आधा कर देना है, तो ये हो जाएगा 33/2, 2 + 2 = 12, 2 = 5 = 10, 16.5, 33/2 यहीं पे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, माध्यिका क्या होगी। आपको एक सूत्र बताओ होगा कि भैया बहुलक बराबर जो होता है वो होता है 3 × माध्यिका माइनस के 2 माध्य, यही होता है। तो प्रश्न में देखो बहुलक क्या दे रखे हैं, बहुलक दे रखे हैं 45, माध्यिका को x मान लो और 2 माध्य 27, 45 27 × 54। ठीक है, तो माइनस का 54 इधर के प्लस का 54 हो गया, तो ये आके 99, 3 × में इधर के बट्टे में 3 × 3 = 3, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या पासे पे जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब लूडो, कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 से छोटी संख्या कितनी होगी, 1, 2। प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 3 से छोटी संख्या कितनी है, 2, संभव परिणाम 2 है और कुल परिणाम 6 है, 2 + 2 = 2, 3 + 6, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, और ये जितने भी सब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि ये संख्या एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ दिखाना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, कॉट थीटा का मान दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, सर्वज समीकरण लगाओगे, हल करोगे, कह रहे दो घन प्रत्येक का आयतन दे रखा है, संलग्न फल को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जो ठोस बनेगा वो घनाभ होगा, इस प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न हैं सब्जेक्टिव ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये सारे प्रश्न करा दिए हैं मैंने ऑलरेडी। माध्य निकालने के लिए आएगा ही आएगा, देखो ये आंकड़ा है, किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, अगर एग्जाम में बोले कि भैया इस विधि से निकालो तो इस विधि से निकालना ही पड़ेगा। सबसे आसान विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि, लगा देना हल हो जाएगा। देखो ये जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इससे हटके कुछ नहीं आएगा, इसी टाइप का ही आएगा। कह रहे बिंदु -4.6 बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त कर दें, प्रश्नावली 7.2 पर आधारित प्रश्नावली का प्रश्न है। ठीक है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न है। ठीक है, बाकी तो मैंने पूरा करा ही रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो। दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा ही आएगा कि आपको एक शून्य निकालने के लिए बोलेगा और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी बोलेगा। 4 नंबर में कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, प्रश्नावली 10.2 NCERT का प्रश्न है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यह भी प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी और गेंद लाल नहीं होगी, लाल नहीं होगी यानी कि एक में से लाल होने की प्रायिकता घटा देनी है। ये उदाहरण का प्रश्न है 14 चैप्टर का, इसे भी मैंने करा रखा है, सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना भाई, टेंशन मत लो। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, माध्यक दे रखा होगा, ये जो एक्स है और ये जो वाई है इनके मान आपको निकालने हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, या तो माध्यक का आएगा या फिर माध्यिका वाला आएगा। फिर आ जाते हैं बड़े नंबर में, आपको पता है बड़े नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, दो दो दे रखे हैं, दो में से कोई एक करना होगा, ये तो आएगा ही आएगा। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं होगी, देख लेना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह हमें बताना है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री, ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करनी है, और √3 का मान हमें ये उपयोग में लाना है। शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी शीरा 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका उत्तर 100 आएगा, या फिर ये करना है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 300 घन सेंटीमीटर होगा, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.4 लेना है। तो ये सभी प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है,
लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बाकी सब कुछ पढ़ा ही रहा हूँ, चैनल पर जाके देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।